हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है उतना दानापुर बाई वीकली एक्सप्रेस, जो कि सूरत से पटना के दानापुर के स्टेशन के बीच में चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है उधना दानापुर एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है उधना जंक्शन सूरत से दानापुर, जो कि पटना के पास का एक स्टेशन है, पटना का ही एक स्टेशन है, वहाँ के उसके बीच में ये ट्रेन चलती है। उधना जंक्शन से हर मंगलवार और शनिवार को दानापुर के लिए रवाना होती है। उधना दानापुर बाई वीकली एक्सप्रेस जो है हर मंगलवार और शनिवार को चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 19063, 29 घंटे 15 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 18 स्टेशन हैं, 1594 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और इसे वेस्टर्न रेलवे डिवीजन जो है ऑपरेट करता है, और आपकी टिकट में जो है सुपरफास्ट चार्ज नहीं जोड़ा जाता। अगर हम बात करें इसके टिकट किराए के बारे में, तो मैं जो अभी आपको उधना दानापुर बाई वीकली एक्सप्रेस का टिकट किराया बताऊंगा वो उधना जंक्शन गुजरात से दानापुर पटना बिहार के बीच का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके कंफर्म कर सकते हैं, वहां से आपको सही किराया जो है पता लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उधना दानापुर एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में। मैं जो अभी आपको आगे टिकट किराया बताऊंगा वो आपको कोचेस वाइज उधना से दानापुर तक का टिकट किराया बताऊंगा। तो सेकंड एसी का जो टोटल किराया वो है 2495 रुपये, जिसमें 2326 रुपये तो बेस फेयर है, 50 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है और 120 रुपये जो है वो GST चार्ज शामिल है। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी हैं। थर्ड एसी के तकरीबन इसमें जो है 4 कोचेस हैं, जिसका किराया जो है इसका टोटल किराया जो है वो है 1720 रुपये, जिसमें 1598 रुपये तो बेस फेयर हैं, 40 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है और टोटल GST चार्ज जो है वो 82 रुपये है। इसके अलावा उधना दानापुर एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास के तकरीबन जो है 11 कोचेस होते हैं, जिसमें कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। तो इसका स्लीपर क्लास का जो उधना से दानापुर तक का जो टोटल किराया वो है 645 रुपये, जिसमें बेस फेयर तो 625 रुपये है और रिजर्वेशन चार्ज जो है 20 रुपये है और टोटल किराया जो इसका बनता है वो है 645 रुपये। इसके अलावा इस ट्रेन में 7 से 8 जो है जनरल अंडरसर डिब्बे भी हैं, जिसका किराया जो है उधना जंक्शन सूरत से दानापुर पटना के बीच में तकरीबन 370 रुपये के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके कंफर्म कर सकते हैं, वहां से आपको सही किराया जो है पता लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उधना दानापुर बाई वीकली एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। उधना दानापुर बाई वीकली एक्सप्रेस जो है उधना जंक्शन से हर मंगलवार और शनिवार को सुबह 8:20 पर यह 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, और ये जो ट्रेन है 29 घंटे 15 मिनट में उधना जंक्शन से दानापुर की दूरी जो है कवर करती है, और इसके बीच में तकरीबन इसके 16 स्टेशन आते हैं और टोटल इसके 18 स्टेशन हैं अगर उधना से दानापुर के बीच में बात करें। तो ये जो ट्रेन है 1594 किलोमीटर का डिस्टेंस भी कवर करती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गुजरात से महाराष्ट्र में एंटर करती है। महाराष्ट्र के पहले स्टेशन नंदूरबार में यह सुबह 10:23 पर पहुंचती है और 10:28 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1557 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। उसके बाद उतना दानापुर बाई वीकली एक्सप्रेस जो है वो अपने तीसरे स्टेशन महाराष्ट्र के दूसरे स्टेशन जलगांव जंक्शन में दोपहर के 12:40 पे पहुंचती है और 12:43 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 306 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद उधना दानापुर बाई वीकली एक्सप्रेस जो है वो भूसावल जंक्शन महाराष्ट्र में दोपहर के 1:15 पे पहुंचती है और 1:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 333 किलोमीटर की यात्रा जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। भूसावल जंक्शन में इस ट्रेन के साथ गीतांजलि एक्सप्रेस की इसकी क्रॉसिंग भी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के पहले स्टेशन खांडवा जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 3:17 पे और 3:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 454 किलोमीटर की यात्रा जो है ये उधना जंक्शन से इटार्स खांडवा जंक्शन तक ये अपनी दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है इटारसी जंक्शन में शाम के 5 बज के
55 मिनट पे पहुंचती है और 6:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। इटारसी जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है ईटी और 638 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक ये ट्रेन जो है कवर कर चुकी होती है। और इसके साथ दरभंगा पुणे ज्ञान गंगा एक्सप्रेस की यहां पर क्रॉसिंग भी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पिपरिया स्टेशन मध्य प्रदेश में पहुंचती है शाम के 7:06 पे और 7:08 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। पिपरिया मध्य प्रदेश का जो स्टेशन कोड है वो है PPA और यहां पर ये ट्रेन जो है सतना इटारसी पैसेंजर एक्सप्रेस के साथ इसकी पैसेंजर ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग भी होती है और 705 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद उधना दानापुर बाई वीकली एक्सप्रेस जो है वो जबलपुर जंक्शन मध्य प्रदेश में पहुंचती है रात के 9:45 पे और 9:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 883 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। जबलपुर से 90 किलोमीटर दूर जो है ये कटनी जंक्शन मध्य प्रदेश में पहुंचती है। यहां पर ट्रेन जो है रात के 11:10 पे पहुंचती है और 11:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 5 मिनट का स्टॉप है। कटनी जंक्शन मध्य प्रदेश का जो स्टेशन कोड है वो है KTE और 974 किलोमीटर की दूरी जो है ये सूरत के उतना जंक्शन से कटनी जंक्शन तक कवर कर चुकी होती है। कटनी जंक्शन के तकरीबन 98 किलोमीटर बाद और 1:15 के बाद ये जो ट्रेन है मध्य प्रदेश के आखिरी स्टेशन सतना जंक्शन मध्य प्रदेश में रात के 12:30 पे पहुंचती है और 12:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1074 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। और सतना जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है STA। इसके बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश में एंटर करती है सतना जंक्शन से तकरीबन 77 किलोमीटर दूर जो है ये मध्य प्रदेश के पहले स्टेशन मानिकपुर जंक्शन में पहुंचती है। मानिकपुर जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 2:30 पे पहुंचती है और 2:32 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1150 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है ये 1150 के किलोमीटर की कवर कर चुकी होती है। मानिकपुर जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है MKP। उसके बाद ये ट्रेन जो है प्रयागराज जंक्शन या इलाहाबाद जंक्शन में 4:45 पे पहुंचती है और 5:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 25 मिनट का स्टॉप है। यहां पर इसका इंजन भी रिवर्स होता है। इंजन जो है दूसरी दिशा में लगकर चलता है। यहां पर ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है और 1250 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। प्रयागराज जंक्शन उत्तर प्रदेश का जो स्टेशन कोड है वो है PRYJ। इसके बाद उधना दानापुर बाई वीकली एक्सप्रेस जो है वो ज्ञानपुर रोड में पहुंचती है 6:29 पे और 6:31 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1315 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है वाराणसी जंक्शन उत्तर प्रदेश में 8:05 पे पहुंचती है और 8:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। यहां पर ये ट्रेन जो है हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग होती है। यहां पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और 1375 किलोमीटर की दूरी जो है ये उधना गुजरात से वाराणसी उत्तर प्रदेश तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन या मुगल सराय में सुबह 9:12 पे पहुंचती है और 9:22 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है सॉरी। उसके बाद उधना दानापुर बाई वीकली एक्सप्रेस जो है वो बिहार में एंटर करती है। बिहार के पहले स्टेशन बक्सर स्टेशन में ये सुबह 10:32 पे पहुंचती है और 10:34 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और 1486 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। उसके बाद उधना दानापुर बाई वीकली एक्सप्रेस जो है वो आरा जंक्शन बिहार में पहुंचती है सुबह 11:28 पे और 11:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। यहां पर ये ट्रेन जो है पाटलिपुत्र मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस के साथ इसकी क्रॉसिंग भी होती है और यहां तक की जो टोटल जर्नी है ये 1555 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद उधना जंक्शन सूरत से दानापुर बिहार तक चलने वाली ये उधना दानापुर बाई वीकली एक्सप्रेस जो है अपने आखिरी स्टेशन दानापुर पटना बिहार में 1:35 पे पहुंचती है और 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1394 किलोमीटर के करीब जो है ये यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। और दानापुर स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो है DNR।
दोस्तों इसी के साथ उतना दानापुर बाई वीकली एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे, और मेरी बाकी अन्य वीडियोस को भी जरूर देखें और लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।